अंगीकार किए मेरे करते गौरपुरे की बड़े आई अप चल नीम धरी गुरु नानक नित नित चढ़े सबाई तन सकागद कलम तन भांडा तन बासन तन लिखारी नानका जिन नाम लिखा सच आपे पट्टी कलम आप उपर लेख पे तू एको कहिया नानका दूजा काहे को दूजा काहे सिमलिया जमे ते मर जाए एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए आओ गौर सिख वीर बजुर्ग माई भाई बहुत बड़े भागां वाले हैं जो ऐ सत्संग की न्यो रखी है ये सतगुरु नानक साहब पातशाह ने रखी है इस करके बड़े भागां वाली संगत है। बाबा आनंद सिंह आप वचन करते सन जिहड़ा बंदा आउण सर जल पानी छक के दुआन विच सामने गुरु साहब के दर्शन करता हाथ जोड़ के बैठना चाहिए सबनों ते चौंकड़ा मार के बैठना चाहिए सारयां नूं ते सरदा नाल बैठना जिन्हों आ गया बाबा आनंद सिंह जी उन्हों इत्थे भी थां मिलू उत्थे भी मिलूगा। इस करके एडा वड्डा दरबार दा बार है उहदे बंदे दे पैर भी पवित्र हो जांदे आ इत्थे आउण दे नाल पैर इन्ने पवित्र हो जांदे आ जे कहिंदे ये पैरां दे नाल चल के आवे दरबार विच कहिंदे पुट्ठी रेखा पैरां दी सिद्धी हो जांदी है सरदा नाल ते नाले कहिंदे जदों समा पैंदा दस जन्म लगातार आ जाना इस तरह ऐ संगत करदे आ बड़े भागां वाले सेवा सिमरन दस जन्म बहुत हुंदे आ पर जे कलयुग च जन्म तो हुण एक नहीं आउंदा इस करके वह तो उहदी मेहर दे नाल ही है लगातार दसवीं जन्म आ जाण ते कहिंदे पैर नहीं रहिंदे फिर चरण बन जांदे आ चरण बन जांदे आ कहिंदे कल्ले चरण नहीं बणदे इह कहिंदे फिर इहनां दे चरणां दी मिट्टी कोई पंडित तुहानूं बहि पा देवे ना जां होर तुरिया जांदा बाहमण बूण ते उह कहि देवे भई तुहाडी रेखा माड़ी है भई पुठी है ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੂ ਐਂ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਹੋ ਜੂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮਲ ਲਏ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਜਾਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੇਖਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੀ ਰੇਖਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਹੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਰਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੱਖ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ
अगो की आख्या गुरबाणी कह सेवक जन मन है। आप सेवक है सारे गुरु ग्रंथ साहब के गुरबाणी के ताई आए न। गुरबाणी कह साडा गुरु बोलता है, गुरबाणी कह सेवक जन मन है, परदख गुरु निस्तारे। ये गुरु परदख है निस्तारे। आ नशा क्यों बढ़े, कलयुग क्यों बढ़ गया, कलयुग तो बढ़ क्यों गया, ये कारण ही नहीं है बई गुरु साहब नहीं सी इस तरह दस गुरु बाबा जी। तो हिंदू मत में मंदिर बना लेने बहुत वधिया, सोना ला लेना, पत्थर ला लेना, चिप्स ला लेनी, हीरे मोती ला लेने, ते पर मंदिर च बैठन वास्ते मकराने जाके ना उतों बलदा दे नाल जां झोटे वाली गड्डी दे नाल उतों मूर्तियां लद लेणगियां पत्थर दियां संख मलमल दी ते लिया के एडे सोहणे मंदर च रख देने। जिहड़ा बंदा आउंदा सी उह पर उवें मुड़ जांदा सी, मत्था टेकिया, हार पाया, तिलक चढ़ाया, जे दुध दा चमचा मूँह नूं लाया आप ही पीता आप ही, वो गुंगा ठाकर। पर गुरु साहब कहिंदे सच्चे पातशाह गुरबाणी द्वारा ठाकर तुम सरनाई आया, हे साडे ठाकर गुरु नानक जी मैं तेरी शरण में आया। तो दर्शन करने बोलण दे नाल गुरु भी बोलता, ठाकर तू सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का सांसा। जो गल ही ना की गुरु ने, देखो उतर गयो मेरे मन का सांसा, जब तेरा दर्शन पाया। उत दिल्ली हूँ 90 किले उ जिते कूड़ा ज पे उत्थे कहिंदे भी मंदिर बनाउणा बहुत वड्डा। ते कोई बंदा विचों हिंदू मत दा बोलिया, वह कहिंदा गुरद्वारा बना दिओ, कहिंदा 24 घंटे लंगर चलाउणगे मौके ते। अपने मंदिरां च तां बस मत्था टेको ते घर नूं जाओ। ते कहिंदा फिर आए हैं जी गुरद्वारे चो राम की आवाज ज्यादा आऊ गुरद्वारे चो। ते मुसलमान बहुत रेली भी, मुसलमान भी आउणगे, अल्लाह की भी आवाज आऊ, अबर अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। फिर कहिंदे सिख भी आउणगे सारे, तरीका उन्हों का वेखो भी कंट्रोल आप रखो, गुरद्वारे में मैंबर बन जाओ। तो भी उधरों संगत शीशगंज वाली जी जाती इतें ही जाऊ नाले, इतने सिख हिंदू मुसलमान तो चार वर्ण इतने आने। दिल्ली उत हजे अद्धा के स्थान बनया से, उत्थे लाला से ईश्वर वो सेवा करवाउंदा सी, विच घरे भी गए जन बहुत सेवा करदा, ते उन्हें थोड़ी जमीन भी दित्ती नाल लाले हिंदू ने। तो कहिंदे सी बाबा जी इत्थे शांति बहुत है, मेरा ठेका लिया मंदिर दा, वह मूँह पट्टी वाले जैनियां का मंदिर दिल्ली इधरले पास उत्थे बढ़ते ही हैं। कहिंदा 8 करोड़ रुपया लग गया पर शांति नहीं है, कहिंदा डर लगता उत्थे।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਦਾਰ ਮੰਦਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਆਇਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹਿੰਦੂ। ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਿਗਟਾਂ ਭੁੱਕੀ ਡੋਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰ ਹੀ ਖੱਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਹੁੱਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਚੌਂਕਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੋਲ ਕੌਂਕਿਆਂ ਦਾ ਘੋੜੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੋਖਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਸੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ, ਉਦੋਂ ਬਾੜ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ 50,000 ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀ, ਸਾਦਾ ਕੱਚਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐ ਚੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਘੋੜੀ ਉਹਨੇ ਬੰਨਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਿਓ ਅਤੇ ਹਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 4-5 ਇਕੱਠੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੱਜੇ ਪੂਛ ਪਾਛ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚਾਵਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਅਹਿਰਾਸ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਇਹ ਐਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਗੁੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਾ। ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਕੌਂਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੌਂਕੀ ਘੋੜੀ ਲੈਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਬਾੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। 3 ਵੱਜ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਛਕ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਈ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਬਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਾਰ ਖੋਲ ਧਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਫਿਰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਗਿਆ,
कोकरी पिंड उन्हें 4:30-5 बज गए। घरवाले कहिंदे पति कित्थे रहा, मैं तो बहुत फिक्र से नींद नहीं आई, मैं तो डीकदी रही। कहिंदा मैं पुछी ना तू, कहिंदा पुछा क्यों ना। बीबी कहिंदी भी मैं फिक्र करदी सी कित्थे, कहिंदा मैं तो सचखंड चों आया, इउं आख्या मैं तो सचखंड। कहिंदे ला तू लैण दा घोड़ी गया, तू सचखंड कित्थे चलिया गया, इउं आख्या। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਗੇ ਲੋਕਣੇ ਆ ਪਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਥੌਲੇ ਤੱਪੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਯੋਗੀ ਯੋਗ ਨਾ, ਅਤੇ ਊਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਹੀ ਆ, ਤਰਖਾਣ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਚਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਝੜੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਪਤੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਹੈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ, ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਅਤੇ ਪਤੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਦੀ, ਘਰ ਦਾ ਯੋਗੀ ਯੋਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੱਤ ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵਾਲਾ, ਐਵੇਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਂ ਆਖੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਡੀਕੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਊਂ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਬੀਬੀ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਵੇਖ ਮਨ ਸੁੱਕਾ ਵਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ 9 ਵਜੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬਾ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਗਈ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਾਈ ਗਈ ਬੀਬੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਭਰਨ, ਪਹਿਰਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਛ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਮਾਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਾਨੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ, ਜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ
मैं तो दर्शन करके जाऊं, वचन लेके जाऊं। रतन सिंह ने आख्या पाचा वो माई मोई नहीं है, वो तो बुले शाह है। बुले शाह एक गल कहिंदे, दर तेरे ते बैठ रहूंगा, ऐठ बिछा के पूरा बाज आई खुदा दी, बुलिया मर जाएगा बैठा। कहिंदे कर लू गुजारा खा के अक धूरा, भी अक पत्ते टूसे जे होंदे ना। कहिंदे कर लू गुजारा खा के अक धूरा। कहिंदे बाबा मैं भी अड़ी दा पक्का जे, तू भी जिद दा पूरा। बाबा जी जिद तेरी भी बाहर नहीं होनी। वो कहिंदे साडे पिंड दे बाबा जी है, जा जोर ला ला। रतन सिंह तुसी रहने जिम्मी भी मर्जी माई नू तुरो। रतन सिंह डरता जावे ना, उन्हें झोला चक लिया ते सेवादार नू कहिंदे तू डिप्टी कर ली। ते मैं तां रबड़ दी खुदो वर्गे, कदे माई टोला मार दी, कदे बाबा जी मार दी, ते रहना बड़ा औखा। इं आखियो ते सेवादार ने आख्या जी पातशाह रतन सिंह पता नहीं की हो गया, झूला पाया गल च। कहिंदे मैं जाना, तू खड़ जाई थी। बाबा जी कहिंदे रतन सिंह पुछ लैंदे ते नहीं साढ़े को बुला लो। उन्हें आख्या तेन बाबा जी बुला, चल जाना तो अगे ले लो, फिर कड़ा सरना अपना बाबा जी बुला। रतन सिंह झोला पाए गल च, कहिंदे पातशाह आ गया बस। क्यों? कहिंदा मैं जाऊंगा माई रहूगी। एवं आखे कहन लगे जी मैं डरदा, वो तो कड़ा कुछ बिजली समानी इनू पई। अच्छा चल चंगा फिर तू डिप्टी कर, कोई नहीं जो जाऊगी ना माई उदों जाऊँ। बाबा जी के बाहर आवाना ते गुरमुखो दोपहर का टाइम, माई उठ गई नहीं। बेबी जिन्ना ने कमाई करनी है कुछ लैना दाता आउंदा मगरों हारन पहला खड़काऊ, जे बाबा जी गेट को आण के ना फूक मार जान मैनू। ते सा संगत उत्थे बाबा जी बह गए सिमरन च, ब्रह्म ज्ञानी जी तापसी, नेरी आ गई, मीह आ गया, माई तू थले बैठी रही। जब मीह नेरी आई, बाबा जी ने सेवादार नू खलदे नू बिजली लशक दी, कहन लगे जी मीह बहुत आ, नेरी बहुत आई है। बाबा जी कहते माई गई? कहते नहीं जी गई नहीं। बाबा जी कहते मीह नेरी? कहना उत्ते ही पिया, भिजी पई। अच्छा भाई बैठी है माई? बाबा जी कहने बड़ी पक्की है। अच्छा भाई, बाबा जी थोड़ा चिर बाद कहने कोई नहीं होर उड़ीक लैनी है, माई गई नहीं, जिन्ना ने कमाइया करनी है। बाबा जी धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक करते आए, हुण तां मेदी आउंदी पुलिस तरह बाबे आउंदी अरे एक दूजे की लत्त। ओ हो किथे आ गया ये, मैं हाँ ऐ होंगी धन गुरु नानक धन गुरु नानक ऐ होवे। वेखो रसा तो ये भी एक कमाई है, जो सुखनी साहब पाठ करते तो करके वेखो, पर विचार ना करो।
हजूर कहते चरण चलो जो पैर धरते चकते हैं कहते वाहेगुरु कहे सुखनी साहब च चरण चलो मार्ग गोविंद ते गां की आखे मिटा पाप जपिया हर बिंद हरी बैंद बैंद तुरते फिरते जपो ले लेकिन तेरे पाप कोई पाप का कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया के इस धरती से हजे जन्म लिया पाप का इलाज तो डॉक्टर ने डॉक्टर बाबा नानक ही है जां कोई कमाई वाला महापुरख है अपने बाबा जी वर्गे जे रब के दर्शन करने पुछो जिन्होंने मस्तुआं ने दर्शन किए रब से उन्होंने वास्ते बाबा जी ते वेखो जे राड़े वाले पुछो कहिंदे रब हरख वाले बाबा जी कहिंदे रब बाबा नानक सिंह जी कहिंदे रब से गुरु नानक जी रब रब करदे मर दोगे कहिंदे रब नहीं मिलना रब जे रब मिलू तो किसी धरती तो उतरे महापुरख भी नहीं मिलू बंदे भी नहीं मिलू कदे कछू विश नहीं कदे होर जानवर भी मिलिया नहीं मिलता मिलता तो मनुखता भी नहीं मिल सीधिया धारण कीर्तन तो मस्तुआ ने बाबा जी ने दुनिया ने झूलन लाता देखो इन्नी संगत 50,000 दसवें पातशाह तो बाद 1,25,000 नूं अमृत मस्तुआ ने बाबा जी ने छकाया किन्नी संगत थोड़ी होंदी सी दुनिया दसवें पातशाह तो बाद अमृत छकाया अंग्रेजां दा राज सी नाले नाले राजां दा राज सी उह समा चंगा सी वेखो ते कल्ले ही सी बाबा जी असीं इतिहास पढ़िया सुनिया बाबा जी तो उतों ना नां कटा के फौज चो हजूर साहब चले गए उत्थे हीरा सिंह बाबा जी जथेदार नूं कहण लगे ये सचखंड ला कहिंदे हाँ वो कहिंदे वी सचखंड च कदे निरंकार वेख्या ऊं लिखिया सचखंड वसे निरंकार वो कहिंदे भाई गुरमुखा ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਲਿਆਉਣਾ 2 ਵਜੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਆੜ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੁਆੜ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਆੜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ 1 ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁਕਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰੂਡਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਰ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਵਾਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਤ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੀਤਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਗ ਮੈਂ ਮਾਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਦਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁਰਨਾ ਖਤਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਆਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ
ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਸ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਲੈਣ 'ਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਭੂਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲੋਂਗੇ। ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ, ਫੜਾ ਫੂਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿਦਕਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਖਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਨਬਾਜ਼ੀ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਗਰਤੀ ਗਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਖਿੱਲਾ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਲੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਸਣ ਲੱਜ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਮਨ ਬਰਾਗ ਪਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਨਮ ਚਿੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਕਵੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੀਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਮਿਲੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਸੁਣਾਏ ਮਸਤੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੰਗਾ ਉੱਥੇ ਮਸਤੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਖੇਤ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਸ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ, ਸਿੱਖਾ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਾਂ ਦੇ ਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਦਾਤ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਫਿਰ ਕੀਤੀ, 100 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1608 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ 1608 'ਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਿਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦੇ ਮੱਖਣ ਵਰਗੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੋਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਲਾਇਕਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਖ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰ ਛਕ ਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੂ ਤੈਨੂੰ, ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ।
बंदे दे इतिहास सुनदे आ गुरु साहब दा महापुरखां कोले एक भी इंज निकल जे ना अख चो कहिंदे सत जन्म दे पाप धो दिंदी है। एडा वड्डा पातशाह आपणा परपकारी है। मूँह पट्टी वाले कहिंदे कित्थे आए हो, मैं कहा आ के की गल, थोड़ा फर्क ही वाला साडे नूं। कहिंदे क्यों, मैं तुसीं तां चाह पुण के पीने, तुसीं हवा पुण के पीनी है। अरे दादे बुलाउंदे ने, तूं तां मूँह बन्नी बैठे, किसी गल तो बन्नो, मैं तुसीं नहाउंदे नहीं। कहिंदे महाराज ने लिखा साध भले आने नहाते हैं, वो कहिंदे हिंदी च बोलदा सी, नहाते हैं। मैं साध जिहड़ा बन गया ना, साध बन गया उहनूं आख्या, अजे तां साध बने ही नहीं। पट्टी खुलू तो प्रचार करोंगे, लगातार कई जन्म आवणगे फिर साध बनोंगे। साधन नहाता इहदा अपने वास्ते सुनिया मनिया मन कीता पो अंतरगत तीर्थ मल नाओ। हजूर साहब कहिंदे बस तूने बाबा जी पढ़ते जी नहाउंदा मेरे तीर्थां दे पर मन दी मैल न जावे। ऐसियां धारण दुनिया नूं सिद्धे राह पात। इस करके बड़े भागां वाले आ, इत्थे गल उह महापुरख दी है जिन्हें अमृत छकाया ते छकिया, सारी जिंदगी लेखे लाती बाबा जी ने। दानी वह मैं विचार कर ऐसे कमाई वाले बाबा आनंद सिंह जी ते सुखनी साहब। हुण सुनो अरदास कई में पढ़ते बेगम ते सुनते ही हैं, तो एक दिन भगती है चरण चलो मार्ग बिंद। मैं तो पुठे पासे पै गया, बाला बोलता रही मैं आपने आप नूं आख्या, ते वेखो किन गुरु जी की कहिंदे तू की करदा एवं आख्या आपने आप नूं कहा भी जे तुरना चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप ले जपिया हर बिंद। करोड़ रुपया डॉक्टर ने बन दे मेरे पाप दूर कर दे, डॉक्टर नहीं कहूगा तेरे पाप दूर, बीमारी लगती है पाप ना, पाप का इलाज हो गया महापुरख की संगत मिल गई बीमारी पिछे हटने लग जाती है। जो बीमारी है भी महसूस नहीं आती मैं बीमारी लगी है, उ लंघ जाती है गुरु की मेहर दा। एडा बड़ा दरबार गरीब नवाज तो उत्थे सात संगत, बाबा जी कहिंदे क्यों बई रतन सिंह माई गई, कहिंदे जी उन्हें जाणन नहीं। अच्छा इन्नी सरदा दी पक्की है, ऐ बणदी गल। बाबा जी अंदरों धन गुरु नानक करते आए पूरे दीवार च, ते बाबा जी पढ़ता चकता प्रेम मूहरे नेम नहीं रहिंदा मांजन बहुत एक घंटा क, वह भी कच्ची कंध भी मोगा रखिया सी उत्थे बचन करन। ते अज पहली वीर बाबा जी कहते माई तेरी हार ही लग गई, ते बहुत चरती बैठी है दिन छिपन वाला जा उहदे जवाकां नूं सामल एवं आख्या, जवाकां नूं सामल एवं आख्या। हुण कोई होवे जिहनूं कमाई महापुरख दी है नहीं, उहने कहना तूं कुत्ते नूं फड़ के उहनूं गैर दे। धन गरीब नवाज बाबा जी कहते माता दिन छिपन वाला जा उहदे जवाकां नूं सामल। उठी उहने कहा साइया पति ने मैनू रज राह पात, कहिंदी मैं तां कुछ खाण नहीं सी आई किसे नूं मिलण नहीं सी आई,
ना लंगर छकना निंदा करना कोई चीज नहीं सी, इको तेरी रसन का वचन झोली च पाना ही सी। ते करी चली गई हस दी, अठ साल हो गए सी जड़ मुश्किल से, कागे तबीतर का बहुत जोर होंदा सी, उन्हें सारे सड़ते कागे तबीत घरों सड़ते मांझा मारता। कहिंदी पति तू रात वाकई सचखंड च सीगा, पर बहुत सेवादार तो मूहरे बहुत आए, पर मैं मनी नहीं, ते तू पति है मेरी सरदा तू बनाई एवं आख्या। ते वेखो सा संगत दो बच्चों ने जन्म लिया जवड़िया ने माता जी दे, बाबा जी को लेके आई ते सेवादार आए, होर पिंड की संगत आई, देखे जी का नाम रखो। बाबा जी कहते माता मैं दिते हूँ तो रखा, ये तो तेरी भावना ने जड़ लाई है, लगती भावना ने ना जड़ एव आख्या। सिख ने एक पूर्णमासी सारी रात हाजरी भरी है, वो तो जड़ लगी है, फिर भी जी दात इतों मिली है, तुहाडे बोल चो मिली है, तुसी ना रखो। बाबा जी कहिंदे अज हुक्मनामा पाई गई सी, कहिंदी हर मन तन वसिया सोई। बाबा जी लै माई आपा हरी वंश सिंह ना रख लें, तुहाडी गांह नूं वंश सुकूगी नहीं, तुहाडी वंश ही हरी रहूगी जी। दूजे का ना रख दो, बाबा जी कहते मेरे गुरदेव ने दिते है, गुरु ग्रंथ साहब नूं आखे इहदा ना गुरदेव सिंह रख लो, आपदे ते गल लई। हुण असी तां फरेवे च जो करदा मैं ही करदा, रब रब किहड़ा। वेखो जीतन जीतन हर कोई आखे, जल्दी हार फकीरा, जीतन दा मल कौड़ी ना ही हारन दा मल हीरा। है भी जीव कुछ नहीं, गुरु काम ही सारा उहदा, कर भी उही रिहा। जे मैं कह बदनी मैं ना, बहुत मेरी मूहरे गल आ जाती है भी आ इटा का काम करते सी, जे अगले दिन ना आ मुंडा साढ़े को रहिंदा टीवी होई है हुण ठीक है, तुस उत्थे चले गए थाड़ दे विच खन्ने ते ए आए फिरी काला होया पिया कमजोर, अभी पुछ लिया कित्थों किवें है, कहिंदी मैं ही चिल्ला रहिंदा बहुत हौली बोलिया। मैं कहा तैनूं ठीक तो हो जाएगा भैगम बना लीए, कहिंदे इत्थे मेरा रहिंदा जी कहिंदे नाना। असीं उहनूं पुछिया निर्मल सिंह नूं, कहिंदे जिहड़ा मिस्त्री पटियाले वाला उहदा भाणजा, उहनूं पुछिया, उह कहिंदा भूतन दवान सी ते उदों मैं लिया सीगा, उदों तुसीं वचन करिया सी बीबी नूं संगत करिया कर गुरु नानक भाग लावेगा, पहला बच्चा नहीं सी फिर थोड़ी मेहर दो हो गए, हूँ तो जी बेकार जाइए बेचारा, दवाई बहुत लगा 80 गोलियां ने लैनिया 90 ऐसी, अज भी आए नाल साढ़े। तो वेखो ये साढ़े ते भी गल सी उस इन्नी उम्र च, बस जो दर्शन होए बाबा जी कहते भगती करो भगती कराओ। मैं आख्या जी मैं तो बीमार रहना, बाबा जी ने उंगल खड़ी की, बाबा जी कहते आप दुनिया में आराम करेंगे, मूर्ख का फुरना बनया भी आराम तो दवाई तो बिना आना नहीं, बाबा जी कहते बिना दवाई तो आराम करते करो, हैरान वाली गल है। फिर देखो इन्नी बाबा जी ने कला वरताई, दो ही हथीं दातां वरता दी ता भी नहीं मुकदी, कोई झोली करन वाला हो। देखो ये है बाबा जी का घर, बड़े भागा वाले
महापुरखा की मोहर लगी है, चरण भी पवित्र है, हाथ भी पैर भी गुरु नानक का घर है, करतारपुर गुरु नानक साहब के सच्चे पातशाह के दवान से, ऐ दवान संगत बैठी थी, जो गुरु ग्रंथ साहब जिमें बैठे है इवें बाबा जी बैठे थे विचाले, जिम्मे बहंगा बहते ये मर्यादा उवें ही है, नहीं तो बराबर बह गए होंगे सारे गुरु ग्रंथ साहब के, मरदाना ही बहता सी, दरगाह च भी आई है देवत्या की सभा, देवते अमृत वेले धारना पढ़ते, तू ही निरंकार धन बाबा नानक, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार सीधी धारना, तो बाबा आनंद सिंह महाराज जी ने पक्की करती धारना अमृत वेले दी, इत्थे सारे ठाठा च सारे थाई नहीं, बहुत धर्म स्थान वड्डे वड्डे है, सत सत मजलां निशान साहब 200 फुट दे है, पर कई थाई गुरु नानक का ना ही नहीं लिया जाता, ना शास्त का पार्टी का बॉडी का कोड़ है भुक्की का, जो उतो लैनी तो प्योर मिलती है, देखो अमृत वेले का वर्ड वांता बेगमा का भी सुते पे भी हारी लग जाती है, धन बाबा नानक तो ही निरंकार, देखो तो इस करके साध संगत दरगाह की धारना, बाबा जी दरगाह च गए तो धारना मिली, तो नहीं तो हूँ गए नहीं, लोग तनखाही बंदे है इन्होंने बस की गल नहीं, इस करके बड़े भागां वाली संगत है, बाबा जी गुरु नानक साहब पातशाह करतारपुर की धरती के दवान लाए से, संगत ने आखिया जी कोई कृपा करो, बाबा जी तो पहले ही रसना तो बोलते सन, वचन करते पहला तो वचन करते सन, तो सच्चे पातशाह जी ने 800 बाबे नानक ने अपना नाम लैके गुरु ग्रंथ साहिब 800 शब्द जिहड़ा नन्हे अखर ते बाबा जी ने नाम लिया आप दा गुरु नानक दा, ते वेख बाबा जी ने, ते दूजियां 4-5 पातशाहियां ने ते 5600 नाम लिया गुरु नानक दा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, ते अज साढ़े लोग बाबे नानक तो बस तरजा फिल्मी धारना शब्द बस पोथी ते पढ़िया, पोथी वाल वेख्या बाबा नानक पता नहीं लगता कित्थे, देखो इस करके सुरती रवे बंदे दी जिहो जिहा मर्जी गा लो, पर गा गुरु नानक दे ध्यान विच, इउं आख्या बाबा जी ने उत्थे बाणी कीती, आपां रोज शब्द पढ़दे हां, हुण तुसीं शब्द पढ़ोगे शब्द हजारे कोई पढ़ते भी, तुसीं कहोगे आपां तां होर ही पढ़ते रहे, बाबा जी ने होर दस्से, हजूर कहिंदे इह तन माया पाया प्यार लीतड़ लभ रंगाए, मेरे कंत न भावा झोलड़ क्यों धन सहजे जाए, इस अर्थ का शब्द उच्चारण किया बाबा जी, कहते जन्म ले रहे ना धन मिल गया, यह धन इन माया की लौड़ है, बस जरूर लौड़ है जरूर माया की, पहली तो गल खाण पीण वाली चीज माया ही है, माया माई भी है, माई तो बगैर बच्चा पैदा होंदा नहीं, फिर दुध दुध यह तन माया पाया, यह तन नू माया की लोड़ है, फिर कपड़े लीड़े की लोड़ है, इह आख्या गुरु जी, कहिंदे खा लै पहन लै जिन्ना मर्जी, हजूर कहिंदे कमाई करके खा पी माया, एक गल दुख दी है बाबा जी कहिंदे,
कह तन माया पाया प्यारी लीतड़ा लव रंगाए लव ना कुत्ते दा कहते जो लोभ कर दन कुत्ता रजदा नहीं गा लव रंगाए जो लोभ का रंग चाढ़ी फिर दन बाबा जी कहते मेरे कंत न भाव है मेरे पति परमेश्वर अकाल पुरख नूं वो बंदा चंगा नहीं लगता इउं आखिया मेरे कंत न भाव है चोलड़ा ये शरीर नूं चोलड़ा आखिया ये ते पोछ चढ़िया होया बहुत सोहना शरीर दे उत्ते वेखो इन्ना सोहना 84 लख जून दे नहीं है जेड़ा ये ते चाड़िया पातशाह जी ने ते माड़े जी झरीट आ जाए लीड़े दे लीड़ा पड़ जाता ते माड़े जी झरीट आ जाए इस दे ते उहदे फिर मशक आउंदा ते जख्म हो जाता वह तुरै जाता कहते पट्टी कर ला तेरे मैला आउंदा उत्ते उन्हें चूड़ा पाता तेरे वधिया है बिचू मैड़ा कहते तेरे मैड़ा तो आई जो जे नाल आ जाओ भी उदू मैड़ा हो जाता पाक बन जी होर नाल आए हो तो कीड़े पै जी वेखो है की है यू पता नहीं लगता भी कम मेरे इन्ना आसान किया उन्हें वेखो इं मोहर लाई पातशाह जी ने लब रंगाए गुरु जी कहते दुख की गल है खा पी ला जिन्ना मर्जी कुछ कर लो हजूर कहते हजूर पातशाह भी तेरे ना गुरु जी कहते तेरी राख ना किसी काम आनी पशुआ दे हड विकदे पशुआ का मास हजूर कहते ते पशुआ का शासन गोहा भी कम ते तेरे ना पशु चंगा तू जे लोभ ची लभ रंगाए मेरे कंत न भावा चूलड़ा क्यों धन गुरु जी कहते एदू वधिया धन नहीं है मनुख तो बिना ये सारे धन तो धन चंगा है गुरु जी कहते सोच क्यों धन सहजिए अज होर कल होर सहजिए जाए इन्हें रहना नहीं है यदी तरीक है कोई जतन नहीं कर सकता वर्मा ने रावण ने मंग मंगी सी बाबा जी मैं 20 साल तप किया 20 साल तो कृपा कर दे मैं मरा ना वर्मा हस पिया कहिंदा एक दिन टाइम तो मेरा भी आना मैं ये वार नहीं दे सकता भी तू मरे ना जेड़ा 5 तत् का शरीर है इन्हें एक दिन कूच करना है इउं आख्या ये तो मास है इहदी मनियाद अंदर पानी है चर्बी है मिट्टी है इउं आख्या हड पसलियां एक दिन तो सारी दुनिया की मनियाद है पशु जानवर धरती आकाश चंद सूरज की बुनियाद है जन थोड़ी बस नहीं तो रब की बुनियाद ही है बस इउं आख्या तो सिख ने बेनती की गरीब नमाज थोनू फिर चोला केड़ा चंगा लगता मनुख केड़ा चंगा लगता गुरु जी ने दूजा पद उच्चारण किया गुरु साहब कहते हौ करवाना जाओ मेहरबाना हौ करवाना जाओ हौ करवाना जाओ तन्ना का लैन जो तेरा नाउ गुरु जी कहते मैंने बहुत चंगा लगता ओ मनुख लैन जो तेरा नाउ लैन जो तेरा नाउ तन्ना का मैं सद करवाना गुरु जी कहते सज्जे पासे मैं नाल ही तुरे फिरते
सदकरवान ना जाओ यो आख्या। गुरु जी कहते एक चंगा होर लगता नाम जपता ना बहुत चंगा लगता ये वो चोले ना मैंने चंगा जब लव बच तुरे फिर गुरु जी कहते पाश काया रंगण तीजा पारे चारण किया काया रंगण बंदे नू रंग चढ़ सकता नाम का 84 लाख जून कीड़ी तो ला के हाथी तिकर नहीं चढ़ सकते 84 लाख वो बांझे जाते जे बच्चे तू फ्रेवा कर दे मेरे जवाक तेरे 3 होंगे 4 होंगे 5 होंगे 6 होंगे सूर ते 12 होंगे उदा चौड़ा हो गया तुरद गणित तू माड़ी जी गल नाले तेरे काम नहीं जवाब इन्होंने कहना बापू तू की बनाया बस इत्थे गल निबड़ जानी है इउं आख्या। बाबा जी कहिंदे काया रंगण हुण बैठे तो रंग चढ़ रहा ऐसे कोई पशु बह सकदा कुत्ता जां होर कोई जानवर ना कोई नहीं बह सकदा काया रंगण जे थी है जे गुरु कृपा करे ऐ बह जाओ दुआन च कोई मिल जाए कमाई वाला रंगिया होया जे की है प्यारे पाइया नौ मजीठ प्यारे पाइया नाम मजीठिया बाबा जी सीधा समझाते सू कोई धोबी को जाना पऊ पहला रंग चाढ़ तो पहला धोना पैंदा ते महापुरख धोंदे आ ते पर महापुरखां दा एक थापा हुंदा एक साबण हुंदा एक पानी हुंदा तिन्ना चीज़ां बगैर लीड़े दे विच्चों मैल नहीं निकलदी ते महापुरख दे विच तिन्न गुण हुंदे आ वड्डे थापा तां ताड़ना ताड़ना करन कहिंदे साबण हुंदा सतसंग आह मैल कटदा सांझा वचन है सारे नूं कल्ले कल्ले नूं नहीं इउं आख्या। ते जिहड़ा पाणी है इह जिज्ञासु दी भावना है हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए इउं आख्या पातशाह जी नूं। ते पानी दा हजूर पाशाह ने 5 बाणियां पढ़ के ते अमृत तैयार करता पानी नहीं रहता ये हुण गल्लां करन कुंभ दियां जाओ दियां हजूर दा रहतनाम च लिखिया 10वें पातशाह दा वी खंड पढ़ रखण मौके ने टका के खूह दा नां लिया खूह दे विच्चों ते पानी पुण के ते कड़ा टका के रख लियो इउं आख्या। ते तीजे दिन उहदा मूंह खोल लियो गुरु जी कहिंदे पाणी नहीं रहेगा उहनू खंड पाठ दा असर हो जाएगा। हुण आपां कई कई सानू इक दिन कहिंदे सी प्रेमी कहिंदे खंड पाठ साडा लग गया मैं किहनू लगना खंड पाठ कहिंदे दरगाह च मैं जो खंड पाठ प्रकाश किए कै दिन बैठा कहिंदा टाइम नहीं लग्या हलवाई को चले गए कहिंदा फिर मैं कहिंदा रहा काट दिंदा रहा मैं खंड पाठ तो तैनू लगना से तू लग्या नहीं खंड पाठ तैनू लग्या नहीं तू खंड पाठ लगता तो तेरे नाल खंड पाठ लगता नू मैं दरगाह दरगाह बाबे नानक नू सुनूंगा देखो बाबे नानक नू तो किसी ने उत्ते आनंद कार्ज कर पिता जी ने ऊँ जाते निके होंगे नाल ते ओ, मुंडे वाला वो लड़की वाला सिरे बधाउंदा ना तो उन्हें सिरे बधा के ना तो ताकत पहुँचता सी गुरु साहब आनंद कार्ज
उन्हें छेद बधा के ना तख्त पुत्र रख के मत्था टेकता, मत्था टेकता। तू हस देख गुरु प्यारा बोलिया, कहिंदा हाँ तू सोचदा मैं तो मुंडे दा विआह कर लिया भी तू बाद इहदा बाबा ना आखो भी जे तू करवाउणा फिर करा ला। कहिंदा हाँ बाबे नानक नूं सिर दित्ते उह भलिया लोकां, कहिंदा तू घरों लै जा जे इत्थे रखण वाली चीज़ आ। एवें गुरु की गत तो बिना बंदे नूं ज्ञान नहीं आउंदा है। गुरु की गत नूं जाणे तो फिर ही ज्ञान आ सकदा ना। वेखो बाबा जी बाहरों आए, बाबा जी कहिंदे भाई वह चादर धोण वालियां, बाबा बुढ़ा जी कहिंदे गरीब नवाज थोड़े आसन दियां चादरां ते सुक्कियां पईआं धोतियां भी चक के लिआउण वालियां। बाबे बुढ़े की गल सुनी ना, बाबा जी कहिंदे कोई भाई चादरां धो के लिआओ। चुप ल बाबा जी कहिंदे चादरां, बाबा जी कहिंदे धोण वालियां, पातशाह चादरां धोतियां भी। बाबा जी अंदर वड़न लगे, कहिंदे भाई कोई जाओ चादरां धो के लिआओ। सारे ने आखिया हद हो गई यार, की गल हो गई बाबा जी नूं इह आखिया। सत साल मगरों मगर लिए अवस्था ची बाबा लहणा जी आए, हुण शेर उठिया बाबा लहणा जी विचों चादरां लाइयां, चादरां गुच्छ मुच्छ करके रावी पाकिस्तान करतारपुर का जिक्र, उत्थे चादरां धोण गए। बाबा बुढ़े जी कहिंदे दीदा नहीं चादरां धोतियां भी। कहिंदे मैनू तां नहीं दीदा, बाबे नानक नूं नहीं दीदा, मैं कहिंदे चादरां वेखण आया करो, मैं तां बाबे नानक दी रसना नूं वेखण आया। जदों बाबा नानक मेरा गुरु कह रहा धोण वालियां तां मैं किवें कहिंदा धोतियां जी। शाही फिर गई, बाबा जी चादरां धो के लिआए बाबा लहणा जी। 350 मगर बाबा ने जदों कहा संगत धो के लिआ के मत्था टेक के, कहिंदे पुरखा कित्थों आया? कहिंदे जी आपदी रसना ते फुल चढ़ा के आए, चादरां धो के आए। बाबा जी ने कहिंदे उरे हो, बांह फड़ के थापी दे के कहिंदे आहा चंगा पुरखा, हुण तूं सेवा च लग जा पक्का। कहिंदे तू मेरी रमज नूं पा गया, आ दूजे मेरे नाल रहिंदे बहुत चिर दे इन्हां रमज नूं पाया नहीं, तू मेरी रमज नूं पा गया। कहिंदे जिवें चादरां धोतियां ना तू धोतियां वी आ। कई कहिणगे असीं धोते वी आ। बाबा जी कहिंदे मेरे मगरों सब दे मनां नूं तू इउं धोया कर, मेरे मगरों मोहर लाती खालसा जी। गत ब्रह्म ज्ञानी की, ब्रह्म ज्ञानी जाने वो जिन्हों ब्रह्म ज्ञान आया हो ही जान सकता ना। जो 24 घंटे तो इधर उधर बंदे दिमाग घूमी जाता, उन्हें गत नूं की जानना। इस करके तो बार मिल गया ना, वो कमाई करांगे तो बार मिलू, तू भावना तो बिना धंद पिटनी है। भावना होवे तो दुकान ते भा बने तो सौदा मिल जाता, भा बने थाड़ी भावना बने तो सौदे की कहड़ी गल, बाबे नानक की दुकान तो किवें ना मिले, किवें खाली हो सकता बंदा, वो तो भावना की गल। इस करके साध संगत गुरु जी कहिंदे काया लंगर जेती है प्यारे पाईया, नाले बहुत सोहना बोलते हैं गुरु साहब, कहते प्यारे पाईया नाओ मजीठ रंगण वाला, जानी महापुरख मजीठिया रंग, जानी कई लीड़िया नू मैल होंदी है धोण, रंग चढ़ता नहीं उन्हूं, कईयां नू ठंडा लग्या हुंदा, कईयां दे विच मावा हुंदा, जानी बंदियां दे विच जानी आकड़ हुंदी है, ते सारे थापे तो बिना यह लूट नहीं आते।
ਤੇ ਮੈਲ ਵੀ ਥੰਦਾ ਵੀ ਲੀੜੇ ਤੰਦ ਤੰਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਰੰਗ, ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਭਲਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕੁਛ, ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਾਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਦੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਥੀ ਆ, ਜੇ ਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਆ ਨੌ ਮਜੀਠ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗਾ, ਜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰੰਗੂਗਾ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਮਾਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਨੇਰੀ, ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਐਵੇਂ ਭਰੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੂ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਵੇਚਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛਿਟੀ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਛਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ। ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਮਸਤੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੇ ਰੰਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਰੰਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਪਿਘਰ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਰੰਗ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੀੜੇ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ 40 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਰਦਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਟ ਹੈ, ਅਤੇ 8 ਦਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ, ਲੀੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰੱਤੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਗਏ ਰੰਗੇ, ਕੰਤ ਤੰਨਾ ਕੇ ਆਖੇ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਆੜ ਪੈਰ, ਦੇਖਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਖਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਨਰਾਲੀ ਆਠ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਅੱਠ ਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਸੌਣਾ ਵੀ, ਪੀਣਾ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਦੇਖਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਗਮ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ,
कीर्तन करने वाले बाबा बाबा नंद सिंह महाराज जी कीर्तन तो बिना ना प्रशादा नहीं छकते भोग पा के भोग लुआ के फिर छकना। बाबा जी ऐ हस के वचन करते दुआ चीज सुनी बाबा जी कहते मैं बाबा जी नाल ही लेके आना तो नाल ही लेके जाने बाबा जी कहते ते बाबा जी कहते कीर्तन ने तो बाबा नंद सिंह जान है यह मोहर लाई इस करके ते हजूर पातशाह कहिंदे की कहिंदे ऐसा रंग ना डीट जिनके चोले रतड़े जिन्हां दे चोले रंगे होए महाराज कंत तन्ना के पास जिहड़ी इस्त्री बीबी है विआह नूं लीड़े बदले जांदे डाणी वधिया गूढ़े रंग दे हुंदे ते पति उन्हां दे मूहरे मूहरे तुरे जावे इस्त्री रात नूं कोई डर नहीं पति अज महापुरखां दे नाल शक्ती बाबा जी नाल जाण महापुरखां नूं गड्डी च बैठण सार दो मिनट एक मिनट नहीं अद्धा मिनट अद्धे मिनट तो अद्धा सकेंट पर नाल होवे उन्ने च भी बेड़ा पार हो जाता तीन मिनट कोई टाइम तीन मिनट कबीर साहब कहिंदे आदि हूं आदि तीन मिनट तीन मिनटा च देखो जाने कि रंगण वाला हूँ टाइम आपां नूं सारन बचन तो थोड़े जे महंगे है पर जो बाण पट्टना हो तो डूंगा ही लाना पैंदा इस करके भागां वाले हैं करमां दा समां मिलिया तुसीं ते बाबा ने मेरे हुण 40-45 साल हो गए स्पीकर ही बोलदिआं नूं बेरामी जी बाली कर ली ते बस उहदी कृपा दे नाल ही है जो तुसीं कहिंदे सी बैगम सारे भी तुसीं रहि पो गुरुआश जी आ जाणगे मैं पहला दुआ ना पुराणी संगत है चलो दर्शन कर लें मैं कई ने कहना ला बड़ा बाबा आया नहीं छोटा बाबा आ गया मैं बाबा तो इको ही है फिर छोटा बड़ा होंगे बाबा बाबा खड़ा चाचा बाबा तो बाबा कोई भी है इस करके आओ बड़े भाग हैं करमां वालियां संगतां प्यारे पाईया नौ मजीठ रंगण वाला ऐसा रंग ना डीठ जिनके चोले रतड़े जिन्हां दे चोले पड़ियो तुहानू कल नू पता लगूगा भी मैं तो शब्द हजारे होर ही पढ़ता रहा अगे भी सुन लो कांत तन्ना के जिन्हां दे नाल महापुरख न पति परमेश्वर रहिंदा सिमरन चलदा सिमरन ही पाता है कांत ना के पास धूड़ तन्ना की कित्थे बाबा जी ने तोड़ा चाड़िया धूड़ तन्ना की जे मिले अरदास करिया करूं ऐ जे महापुरखां दी धूड़ मिले जी धूड़ तन्ना की जे मिले कहो नानक की अरदास पक्की तरह मैंने बाबा जी जा रहे थे सचखंड च अरदास कर लेट से थोड़ा संत आ गई ऐ दस्तार असी दर्शन करे जोड़ कर दे ते थले तो फर्श नहीं से लग्या रोड़े चिणके इटे रेता है पाया से दोई पासी राजे महाराजे खड़े थे वकील जज ते पिता जी माता जी असी भी खड़े सी भाई साहब ते जिथे जिथे पैर रखने ची ची बाबा जी ने उतों उतों बड़े बड़े राजे महाराजे ने ऐ घरूट पट पट के ना तो ये पटते बाबा जी के चरण वाली जगह तो ये अखा इन्हों ने दर्शन किया तो बेबे ने भज के ऐ मुठ्ठी भरी जिन्हों पता हों देखो नेवे एक माई नू बेबे ले गई चल तेन दर्शन करा दी तू तो कहड़ा बाबा बेबे कहती ओ है पाशाह चावर कर दे कहती वही जी चौरी जी हल्दी है मूंजा तम चक जिन्हें हजे पता नहीं लगता बेचारे ज्ञान नहीं है गुरु तो बिना भाई रे ज्ञान नहीं आना मैं उत्थे तोड़ा चाड़ रहा सी पक्का गल कर दी नहीं उन्हें कहा आपदे ही कहते मेरी बेटी चकलो पैर ना ना ख्याल ना चक्का वेख के
कोई नाम का रंगिया हो बेग मारे इन्होंने पूछ लिया हौली दिन भी की करते बाबा है या तो थोड़े ज्यादा बोलने की आदत बन गई है इस करके धूड़ तन्ना की अरदास कर गई आप सारे धूड़ तन्ना की जे मिले कहो नानक की अरदास जे कि सच्चे पातशाह धूड़ बख्शे करतारपुर का दवान का जिक्र चार पदों का मैं तीन पद लाए भी टाइम ज्यादा होंगे फिर सानू कह देंगे जी तुम हड़ दे नहीं गए पै पैर मुड़ के कहने तुम मैं नपो ऐ करो गोली दो चाह लियाओ हूँ वो कानपति परमेश्वर उन्हें अपना काम करके जाके गरीब वधिया तो नाले कहू जिते मर्जी तुरे फोन तो गड्डी च बह जाए पै जाओ जेड़ा काम करना सी मैं तो करता दुनिया नूं तारन दा काम नाले तो बिना तो गल चल साह भी नहीं आता साधु इस करके बड़े भागां वाले आ धूड़ तन्ना की अरदास कर गई आप सारे ऐसे महापुरख मिल जाए धूड़ तन्ना की जी कहो नानकी अरदास किते मिल जे ता मस्तक लावा तूड़ी तेरे चरणां दी मैनू मिले ता मस्तक लावा तूड़ी तेरे चरणां दी किते मिल जे ता मस्तक लावा तूड़ी तेरे चरणां दी मैनू मिल जे ता मस्तक लावा तूड़ी तेरे चरणां दी मिल जे ता मस्तक लावा तूड़ी तेरे चरणां दी किते मिल जे ता मस्तक लावा तूड़ी तेरे चरणां दी चाह पी के लग्या तुझे पीती भी है बहुत पुराने संगी हैं तो आवाज आए आ भी पता लगे तो सास भी कले कले पुराने सत संगी है तो सारे गज बज के उन्ना चिर बाबे ने मेरे में खड़ा नहीं छड़ता जिन्हें चिर सचखंड थोड़ी आवाज नहीं पहुँचती तो चाहे औखा ही होव इस करके सारे गज बज के बोल लो भावना के ना समा मिले ते माई भाई अमृत वेले उठो इनान करो जी गड्डिया मोटर न वध तो वध आया समा आप कहते हम इतने बैठे बाबा नानक दे वचन जेडे इतने बैठे सचखंड च बैठे जेडे इतने बैठे अंत मौके भी उत्थे बह जाने मगर कोई पाठ करावे चाहे ना करावे जिउंदा काम कर गया जेड़ा करना से नाले जिउंदयां ने कहिंदे मेले जिउंदयां मर तां उह भी गया मारू भी मेले कहदे होए मेले तो गुरु के नाल ही है जी आ अज बैठे आ जे आने मेला तो गुरु नानक के नाल हो रहा अपने कल शब्द हजार का पाठ करो सुनियो तुम कहोगे हो रही है एक साढ़े वाला होर जगह झगद मैं किए झगद कट ही मानता सारा संतान कोई दुआन च बह गया असं वचन करते चौथे पातशाह का शब्द सच्चे पातशाह कीर्तन सोले का सच्चे पातशाह ते वो फिर हैरान हो गए शब्द सुन के अच्छा कीर्तन सुन तो मैं भी कर दूं पर आए देखो हैरान हो गया जो बाणी का विचार अगले दिन फिर दुआन च फिर आया दो तिना होर ले आया मुड़ के बाबा ने मेरा हुण तक आउंदे ही उह गुरु की कृपा सदका संगत कर गई साधु दी बंदेओ करे बंदत हैगी बंदेओ करे खदा ये तन विच ये संत खुद रब दे नाल देण मेल करा आओ माए बड़े भागां वाले माई भाई ते सारे वध चढ़ के हारी प्रभु लाल सिक्खी दा केंद्र इस करके बणिया बाबा जी ने कृपा की है गुरु नानक के घर आए हैं भागा वाले हाँ
नितनेम करांगे, अमृत वेले उठांगे, शनान करांगे, अमृत छकांगे, महापुरख की संगत करांगे, फिर की मिलेगा। ये लोग सुखिए परलोक सहेले, नानक है प्रभु आपने मेले, करिए रसना पवित्र। व्यर्थी सेवा न जांदी गुरु नानक दे दरबार दी, व्यर्थी कार ना जावे गुरु नानक दे दरबार दी। व्यर्थी सेवा न जांदी गुरु नानक दे दरबार दी, व्यर्थी काल न जावे गुरु नानक दे दरबार दी। सेवा न जावे गुरु नानक दे दरबार दी, व्यर्थी काल न जाए गुरु नानक दे दरबार दी। सेवा न जावे गुरु नानक दे दरबार दी, व्यर्थी काल न जावे गुरु नानक दे दरबार दी। सेवा न जावे गुरु नानक दे दरबार दी, बिरथी काल ना जाए गुरु नानक दे दरबार दी। नानक दे दरबार दी, गुरु नानक दे दरबार दी, नानक दे दरबार दी, नानक दे दरबार दी, नानक दे दरबार दी, गुरु नानक दे दरबार दी, गुरु नानक दे दरबार दी, गुरु नानक दे दरबार दी। बिरथी सेवा न जावे गुरु नानक दे दरबार दी, बिरथी काल न जावे गुरु नानक दे दरबार दी। बिरथी सेवा न जावे गुरु नानक दे दरबार दी, बिरथी काल न जावे गुरु नानक दे दरबार दी। दरबार दी गुरु नानक दे दरबार दी, 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 नानक दे दरबार दी, गुरु नानक दे दरबार दी। बिरथी काल न जावे गुरु नानक दे दरबार दी, बिरथी सेवा न जावे सतगुरु नानक दे दरबार दी। बिरथी सेवा न जावे गुरु नानक दे दरबार दी, बिरथी सेवा न जावे गुरु नानक दे दरबार दी। हर जस गायो संत जना मिले, हर जस गायो संत जना मिले, हर जस गायो संत जना मिले, हर जस गायो संत जना मिले। कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, जो चाहत सोई मन पायो, कृपा हर नाम दिवायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। हर जस गायो संत जना मिले, हर जस गायो संत जना मिले, हर जस गायो संत जना मिले, हर जस गायो संत जना मिले। परवाह है ते सनू ते
ਸੱਚਾ ਵਰਸਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖ ਪਾਏ ਮਨ ਸਦਾ ਹਰੀਆ ਮੁਖ ਸਦਾ ਦੁਹਾ ਗਣੀ ਦਾਰ ਖੜੀਆਂ ਬਿਲਲਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਰ ਕਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਇਓ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੀਜੇ ਸੱਚ ਜਮੈ ਸੀਤਲ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਫਿਰ ਕੈ ਪਾਏ ਪਿਆਰਾ ਸੇ ਜਸ ਖਾਲੀ ਫਿਰ ਰਵੇ ਹਉ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਭੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਏ ਲਿਓ ਨਾ